मुंबई और महाराष्ट्र के कई शहरों में बारिश के कारण जलभराव हुआ है। सड़कें तालाब बन गई है और नाव से लोगों को बचाया जा रहा है। इसके साथ ही राजस्थान और गुजरात में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त हो रहा है। पुणे में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई घरों और सोसाइटियों में आग लग गई है। स्कूलों और कॉलेजों में भी छुट्टी घोषित की गई है। इसके साथ ही पानी की मात्रा बढ़ने से कई बांधों में खतरा है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को बंगला नंबर 1 रविशंकर शुक्ला लेन नई दिल्ली में नया कार्यालय आवंटित किया है। यह आपके मुख्यालय का नया पता होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही आम आदमी पार्टी को अपने कार्यालय के निर्माण के लिए स्थायी भूमि आवंटित होने तक सामान्य पूल से आवास इकाई का उपयोग करने का अधिकार दिया था। इंडिगो की फ्लाइट 6/12 जो इस्तांबुल से दिल्ली जाने वाली थी, तकनीकी समस्या के कारण देरी हुई। यात्रियों को देरी के बारे में बताया गया है और उन्हें तुरंत जरूरी इंतजाम किए गए। कर्नाटक सरकार ने प्रस्ताव में कहा है कि केंद्र सरकार को तुरंत राज्य को नीट परीक्षा से छूट देनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET के नंबरों के आधार पर छात्रों को मेडिकल एडमिशन देना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को नीट के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में अनिल देशमुख ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें झूठे आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें उद्धव ठाकरे और अजित पवार के खिलाफ कभी कुछ गलत नहीं बोला। उन्होंने फडणवीस को चुनौती देते हुए कहा है कि उन्हें अपने खिलाफ वीडियो क्लिप सार्वजनिक करनी चाहिए। भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने जिम में ट्रेनिंग करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। शमी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से कोई मैच नहीं खेला है और अब वापसी की चाह में गेंदबाजी का अभ्यास शुरू किया है। वीडियो में शमी ने जिम में वेट ट्रेनिंग और वर्कआउट किया है, जिसे फैंस ने बड़ी प्रशंसा की है। अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए श्रद्धालुओं का 28वां जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। पिछले साल का रिकॉर्ड तो टूट ही चुका है और अब तक 4.25 लाख से अधिक यात्री गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। बिहार के गया जिले के हमजापुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 80 साल के बुजुर्ग ने 25 साल की युवती से शादी की है। बुजुर्ग दूल्हे का कहना है कि उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है और वह अकेले पड़ गए थे। गागा की परफॉर्मेंस से होगी पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत। यह सेरेमनी बाहर सीन नदी पर होने वाली है और इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक कार्यक्रम भी होंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी का लाइव टेलीकास्ट NBC पर होगा।